मंगलवार को मुख्यमंत्री सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बताया कि सोनाली फोगाट केस की जांच जो है वो कहां तक पहुंची है। तब सोनाली फोगाट केस में प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बताया कि अब एक डिप्यूटी पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक के अधिकारी सोनाली फोगाट के मौत की जांच करेंगे। उन्होंने मंगलवार को मामले को केंद्र को सौंपने से इनकार कर दिया, यानी कि सीबीआई जांच नहीं होगी। उनसे पूछा गया कि क्या इस मामले में सीबीआई को सौंपा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस इस समय अच्छी जांच कर रही है, इस मामले में जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। इस तरह इस मामले में अब गोवा पुलिस की 4 सदस्यीय टीम जांच करेगी, जिसमें सोनाली फोगाट की बेटी से भी पूछताछ होने वाली है। गोवा के सीएम ने यह भी बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक सीक्रेट रिपोर्ट भी भेजी गई है। बता दें कि गोवा पुलिस ने अब तक सोनाली फोगाट के प्रबंधक सुधीर सांगवान, सहयोगी सुखविंदर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब ये साफ साफ सीएम ने कह दिया है कि केंद्र को जांच नहीं सौंपी जाएगी, हम जो है यानी कि गोवा पुलिस अच्छी जांच कर रही है, एक डेप्यूटी पुलिस सुपरिटेंडेंट रैंक का अधिकारी जो है वो इस पूरी जांच का नेतृत्व करेगा। तो जो सीबीआई जांच की बात थी, उन्होंने कहा था जरूरत पड़ी तो सौंपी जाएगी। हालांकि परिवार ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, और अगर गोवा सरकार नहीं देगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने को भी तैयार है। तो अब देखना होगा कि क्या आज जो गोवा के मुख्यमंत्री का बयान आया है उस पर परिवार किसी तरह का रिएक्शन देता है, क्योंकि ये साफ लग रहा है कि अभी किसी भी तरीके से गोवा के सीएम इस पूरे मामले की जो सीबीआई जांच है उसको कराने के मूड में नहीं है। उनका ये कहना है कि गोवा पुलिस जो है वो अच्छी जांच कर रही है, और हम चाहेंगे कि गोवा पुलिस ही इसकी जांच जारी रखे।